हाय एवरीवन, श्रेया किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ शाही पनीर। शाही पनीर बनाने के लिए मैंने जो सामग्री लिया है, पनीर, 3 बड़े प्याज, 2 टमाटर, अदरक और लहसुन, 8 से 10 काजू, कुछ खड़े मसाले और घर की मलाई। तो आइए शाही पनीर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और काजू का अलग अलग पेस्ट बना लेंगे। फ्रेंड, ये पेस्ट हमारा रेडी हो गया है, तो आइए शाही पनीर बनाना शुरू करते हैं। गैस की फ्लेम ऑन कर दिया मैंने, अब मैं ऑयल डालूंगी। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें तेज पत्ता डाल देंगे, 3 से 4 लौंग, जीरा, साबुत लाल मिर्च, प्याज का पेस्ट डालेंगे और इसे हाई फ्लेम पर अच्छे से पका लेंगे। फ्रेंड्स, ये प्याज हमारा अच्छे से पक गया है, अब हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, टमाटर, काजू का पेस्ट। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके लो फ्लेम पर पकाएंगे। फ्रेंड्स, ये पेस्ट हमारा अच्छे से पक गया है, तो अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसालों में हम डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करके मसाले को लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे 10 से 5 मिनट के लिए। फ्रेंड्स, मसाले पक गए हैं, तो अब हम इसमें क्रीम डालेंगे। ये मैं घर की निकाली हुई मलाई डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक चम्मच नमक डाल देंगे। अब हम इसे 5 मिनट के लिए पका लेंगे क्रीम को। कसूरी मेथी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पनीर डाल देंगे। फ्रेंड्स, अभी हमारा शाही पनीर रेडी हो चुका है, तो हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। धनिया पत्ता डाल देंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा शाही पनीर रेडी हो गया है और मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।